बाद कोरोना होना, या तो कोरोना फ्रॉड है या फिर वैक्सीन फ्रॉड है, ऐसा कहना है मौलाना फजल रहमान साहब का। ये बयान सतही सोच की अलामत नहीं है। पाकिस्तान को मिली चाइनीज वैक्सीन फ्रॉड है, ये वहाँ की अब मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि दो दिन पहले ही इमरान खान ने चाइनीज कोरोना वैक्सीन भी लगवाई थी और आज उनके कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आ रही है। दो दिन पहले वैक्सीन ली थी, कोरोना वैक्सीन, चाइनीज वैक्सीन है ये, और आज उनके कोविड पॉजिटिव होने की खबर उनके स्पेशल असिस्टेंट की तरफ से दी गई है। दोस्तों मजे की बात यह है कि जहां एक तरफ भी क्यों मिली चाइनीज वैक्सीन लगाकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्वारंटाइन हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने देश के स्वदेशी कोविड वैक्सीन लगाकर धनाधन रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान ने आखिरकार डान में मिली हुई चाइनीज वैक्सीन लगवा ही ली। पाकिस्तान की फिनेंस मिनिस्ट्री ने वहां की संसद में यह ऐलान किया था कि उनके पास वैक्सीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वो केवल डान में मिलने वाली वैक्सीन के ही भरोसे बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, जिस पाकिस्तानी को कोविड वैक्सीन खरीदने की औकात नहीं उसे चाहिए कश्मीर। अब वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर की वादियों में आजादी का सूरज तुलू होकर रहेगा। कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है, और ये जो जुल्म का सिलसिला है कश्मीर में जो नरेंद्र मोदी ने, इनकी भारतीय फौज ने, भारतीय सेना ने शुरू कर रखा है, अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान की गुड़ियों की जब से चढ़ी जवानी, करके फोन बुलाती है लौंडा हिंदुस्तानी। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। किए हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मैसेज आया है जो बॉर्डर के उस पार से नरेंद्र मोदी, आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ दिनों से बयानात में जो दोनों ममालिक के दरमियान आइस है उसको थॉ करने की शदीद कोशिशें की जा रही हैं, ऐसी पोजिशनिंग की जा रही है, ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं कि भाई साथ मिलके रहना है, दोनों जो ममालिक हैं वो नेबर्स हैं। तो ये मोदी साहब की जो ट्वीट आई, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, उन्होंने कहा कि बेस्ट विशेस टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फॉर अ स्पीडी रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। तो जो हालात हैं खासतौर पर दोनों ममालिक के दरमियान, इसमें ये मैसेज काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इफेक्टिव है और पावरफुल भी है, और इसके एक तरह से ये बता भी रहा है कि मामला शायद आगे जाके बेहतर हो जाए दोनों ममालिक। दान में मिले चाइनीज कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बाद अब पाकिस्तानी आवाम ने मेड इन इंडिया वाली कोविड वैक्सीन की मांग पकड़ने लगी है। अगर आपको ऑप्शन दी जाए इंडिया और चाइना, इन दोनों की वैक्सीन में से एक की चूज करने की, तो कौन सी चूज करेंगे? इंडिया की करेंगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इंडिया का पाकिस्तान का हमारा वो एक रिश्ता है ना, उस तरह का, क्योंकि उनकी वो चाइनीज शक्लें और तरह के, पता नहीं वैक्सीन काम करे कि ना करे, पाकिस्तान की इंडिया की कर देंगे, शक्लें भी सेम है, इकट्ठे रहे हैं काफ़ी देर, मेरे ख्याल से तो मतलब काम कर जाएगी। अगर चाइना और इंडिया की बात की जाए तो फिर आई विल डेफिनेटली गो फॉर इंडिया, इंडिया की वैक्सीन अच्छी है, एंड आई हैव मैंने लोगों से पूछा है, मेरे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से, एंड दे हैव किसी एक ने यूज़ की है एंड दे से दैट्स गुड, वैक्सीन अच्छी है, चाइना से तो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है, इंडिया की जो वो यूज करें डेफिनेटली। खामोशी खामोशी। कि किसकी क्वालिटी बेहतर है? मैं इंडिया की यूज करूंगी। या क्यों? आई डोंट नो, चाइना की चीजें थोड़ी नकली होती है, सो दैट इज व्हाट वी हैव इन आवर माइंड।